दोस्तों आज इस सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई सोशल मीडिया के द्वारा फेमस होना चाहता है। बड़े तो बड़े आजकल के बच्चे भी सोशल मीडिया के द्वारा काफी फेमस हो रहे हैं। अगर आप भी मेरे तरह इंस्टा रील्स या फिर अदर शॉर्ट वीडियो ऐप पर शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपने कभी न कभी राशि सिंधे या फिर शिवांगी पोर्जे की वीडियो को तो देखा ही होगा। आज के समय में ये दोनों लोग सोशल मीडिया के थ्रू काफी कम उम्र में काफी ज्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर रही है। सो इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों लोगों में कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम राशि सिंधे और शिवांगी पोर्जे में कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इन दोनों में से नंबर वन पर कौन है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राशि सिंधे के बारे में, देन बात करेंगे शिवांगी पोर्जे के बारे में। सो राशि की फुल एंड रियल नाम राशि सिंधे ही है और इनकी निक नाम राशि है। राशि के जन्म 24 जून 2008 को शिरडी महाराष्ट्र में हुई थी। सो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अभी इनकी उम्र 14 वर्ष है। अगर इनकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो फिलहाल अभी ये 7th क्लास में है और इनके स्कूल का नाम शिवानिकेतन कॉन्वेंट स्कूल है, जो कि यह स्कूल महाराष्ट्र के कोपरगांव में है। वही राशि के फैमिली के बारे में बात करें तो इनके फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स है, जिसमें इनके पेरेंट्स और एक बड़ा भाई है। राशि के पिताजी का नाम मदन सिंधे और माता जी का नाम अश्विनी सिंधे है। वही एक बड़ा भाई है जिनका नाम अंश सिंधे है। वो लेफ्ट से तारीफ कर रहा था, मैंने राइट मुंह मोड़ लिया। हम देखेंगे नहीं पर सुनेंगे तो जरूर ना। अगर राशि के सोशल मीडिया स्टार बनने तक के करियर के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि पहले इनकी माँ टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी। इनकी माँ टिकटॉक पर कई वीडियो अपलोड की लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। तभी वो एक दिन राशि की वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पर अपलोड की तो उनकी वह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद से इनकी माँ अपना वीडियो बनाना बंद कर अपनी बेटी का ही वीडियो बनाना शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय बाद इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया तो राशि स्नैक वीडियो ऐप पर आ गई और यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू कर दी और इनके स्नैक वीडियो ऐप पर कुछ ही दिन में 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन ये ऐप चैलेंज होने के कारण ये ऐप भी बैन हो गया, जिसके बाद राशि इंस्टाग्राम रील्स और मौज ऐप पर वीडियो बनाना शुरू कर दी। आज के समय में राशि के मौज ऐप पर 11 मिलियन प्लस फॉलोवर एंड 110 मिलियन प्लस लाइक है। वही अगर इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की बात करें तो इनके इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन प्लस फॉलोवर्स है। साहिबा, हां मोबिन, मुझसे शादी कर ले यार। नहीं कर ले यार, मैं तुझे आईफोन 12 दूंगा। मेरी किसी और से 13 में बात हो गई है। सो चलिए अब बात करते हैं शिवांगी के बारे में। सो इनकी फुल एंड रियल नाम शिवांगी पोर्जे है। इनकी जन्म 27 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी। सो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अभी इनकी उम्र 10 वर्ष है। वही इनकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो नासिक के ही प्राइवेट स्कूल से अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और फिलहाल अभी 4th क्लास में है। अगर शिवांगी के फैमिली के बारे में बात करें तो इनके फैमिली में इनको मिलाकर टोटल 5 मेंबर्स है, जिनमें इनके पेरेंट्स, दो भाई और ये है। इनके पिताजी का नाम विष्णु पोर्जे है और माताजी का नाम कमल पोर्जे है। वही दो भाई है जिनमें से एक का नाम तुषार पोर्जे है और दूसरे भाई का नाम प्रतीक पोर्जे है। पढ़ाई करता है, ऊपर देखो ऊपर पढ़ाई करता है। कौन सा स्कूल में? आड़ीबाड़ी में। कौन सा स्कूल में? आड़ीबाड़ी में। आड़ीबाड़ी में पढ़ता। चलिए अब बात करते हैं शिवांगी के करियर के बारे में। सो इनकी करियर की शुरुआत भी टिकटॉक से हुआ था। पहले इनके भाई लोग टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, फिर एक दिन इनके भाई ने शिवांगी को भी वीडियो बनाने को बोला, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह से पता था कि शिवांगी का क्यूट एक्सप्रेशन लोगों को काफी पसंद आएगा। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब इनके भाई ने इनका एक वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पर अपलोड किए तो कुछ ही घंटों में उस वीडियो पर लाखों में व्यू और हजारों में लाइक मिल गए, जिसके बाद शिवांगी कई वीडियो बनाई और टिकटॉक पर अपलोड की। लेकिन दोस्तों उसके कुछ दिन बाद जब इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो इंस्टाग्राम पर आ गई और यहाँ पर रील्स वीडियो बनाने लगी। आज के टाइम में इनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है। दोस्तों आपको बता दूं कि शिवांगी अब तक कई वीडियो सॉन्ग में काम कर चुकी है, साथ ही मराठी के एडवर्टाइजमेंट में भी काम कर चुकी है। हाय गाइस, थोड़े दिन में वीडियोस नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं गोवा जा रही हूँ ताजमहल देखने। सो चलिए फाइनली अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों लोगों में से नंबर वन पर कौन है। सो दोस्तों अभी के समय में इन दोनों लोगों में से नंबर वन पर शिवांगी पोर्जे है। वैसे आपका फेवरेट कौन है और आपको किनका वीडियो देखना ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अब एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।